एक तरफ भारत सरकार शिक्षा का स्तर बढ़ाने लाखों जतन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अनदेखी के चलते दुर्ग के लगे गांव अछोटी की शासकीय स्कूल में एक शिक्षक अपनी ही मनमर्जी कर सरकार की आंख में धूल झोंक कर अपना मानदेय उठा रहा है। दुर्ग शहर से लगे गांव अछोटी की शासकीय स्कूल का मामला सामने आया है। बता दें कि एक तरफ जहां टीचर्स डे में सभी शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है, तो वहीं दुर्ग से लगे ग्राम अछोटी की शासकीय स्कूल में एक शिक्षक दुर्ग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के संरक्षण में अपनी ही मनमानी करता नजर आ रहा है। इस मामले में गाँव के पंच और सरपंच ने खुले रूप से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद साव पर आरोप लगाया और कहा कि शिक्षक की मनमानी किए जाने का कारण उसे ही बताया। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये स्कूल नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक शराबी शिक्षक की मनमर्जी से यहाँ का शिक्षा का स्तर भी गिरने लगा है। आपको बता दें कि इस मामले में गांव के सरपंच घनश्याम दिल्लीवार ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी की मिलीभगत और लीपापोती के चलते शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक लक्ष्मी नारायण पटेल, जो वर्षों से स्कूल में ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, नदारद रहते हैं और जब हाल ही में शिकायत का असर होता देख स्कूल आना शुरू तो किया लेकिन अपने साथ गांव की ही एक लड़की को भी साथ लेकर आए, जो उसके बदले स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करने लगी। आप टीचर हैं? क्या नाम है आपका? अच्छा, नहीं तो सरकारी स्कूल है, आपको कैसे? आप देख सकते हैं कि वह लड़की बच्चों को शिक्षक की जगह शिक्षक बनकर खुद ही पढ़ा रही है। जब गांव के सरपंच और सभी स्कूल स्टाफ को जानकारी मिली तो उन्होंने कई बार शिक्षक से जानकारी चाही, मगर अपनी मनमर्जी और अधिकारी के संरक्षण के चलते हर बार लक्ष्मी नारायण पटेल अपनी मनमर्जी करता जाता रहा। जब मीडिया को इसकी जानकारी लगी तो मौके पर पहुंचकर जब मीडिया के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला कि पटेल नामक शिक्षक जो शासकीय स्कूल में खुद ना पढ़ा कर अपनी ही जगह अपनी ही गाँव की लड़की को पढ़ाने के लिए क्लास में लाया है और बच्चों को वो लड़की पढ़ा रही है, पूछने पर उस शिक्षक ने इस लड़की द्वारा शिक्षा दान किए जाने का हवाला दिया और पल्ला झाड़ लिया। कौन सी क्लास में पढ़ा है? मैं प्राइमरी स्कूल छोटी से हूँ और अभी हमारे स्कूल में स्टाफ की कमी है। हम लोग एक्चुअली अभी 3 ही स्टाफ है HM मिला के और HM मैम भी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन की हुई। हाँ, एक्चुअली क्या है, मैं अभी पिछले 3-4 महीने से बहुत स्वास्थ्य मेरा ख़राब चल रहा है और अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी क्या है, इतना वीकनेस है कि मुझे अभी लाना लोग ले जाने के लिए स्कूल आने के लिए दिक्कत हो रही थी, तो जिसमें मैंने अपनी स्वयं से अपनी व्यवस्था से मुझे लाया ले जाया जाता है और स्कूल में भी थोड़ा सा कमी है टीचरों की, तो मुझे जो छोड़ने आते हैं लेने आते हैं और मेरे साथ ही रहते हैं स्कूल टाइमिंग तक, तो अब यहाँ स्टाफ की कमी कर कई क्लास खाली हो जाती है। नहीं तो अब वो शिक्षा दान है ना, यहाँ कई शिक्षा मित्र होते हैं, शिक्षा दान होता है ना, तो अपने स्वेच्छा से अभी टाइम कैसे स्पेंड करें 4 बजे तक, तो वो अपना शिक्षा दान के रूप में अपना क्लास वगैरह में कुछ अपना सही नहीं तो अब वहाँ सब मालूम है कि यहाँ शिक्षकों की कमी हो सब तरह से, ये यही की बात नहीं है, नहीं बाकी कई जगह भी हैं कि वहाँ शिक्षा मित्रों का सहयोग लिया जाता है या किया जाता है, वो तो खुद बोला जाता है कि भैया कोई पढ़ाने की इच्छुक हो तो है ना हमारे स्कूल में। मैं 2019 से पदस्थ हूँ, नहीं तो मेरी अध्यापन व्यवस्था में इधर यानी कि कहीं ना कहीं मैं पढ़ाया हुआ ऐसा नहीं कि यहाँ, हाँ हालांकि यहाँ मैं ज्वाइनिंग यहाँ स्कूल में नहीं आ रहा था, मगर मैं जाने यहाँ कुचेल स्कूल में पिछले साल पूरा वहाँ था, तो ऐसे ऐसे अध्यापन व्यवस्था भी इधर से उधर में। अभी जो मैं फिलहाल अभी मेरा तबीयत के मेरा बहुत समय से चल रहा है वो, तो कुछ मैं लीव में रहा हूँ, कुचेल स्कूल में पढ़ाया हुआ हूँ, नहीं अभी कुचेल स्कूल का बन हुआ, हाँ बाल सुधार गृह में भी था मैं, वहाँ कुछ महीने रहा हूँ, अब वो रिकॉर्ड के हिसाब से देखना पड़ेगा मुझे भी, याद नहीं आ रहा 3-4 महीने तो रहा हूँ, नहीं वो तो मेरी तबीयत के नाम से ही मैं नजारत रहा और ऐसा टाइप से अब वो
अब अभी अभी आप खुद देखेंगे, अभी मैं चल रहा हूँ तो आप फिर बोलेंगे कि पी के ही चल रहा है ना। वो आदमी की मानसिकता है कि अब वो उस टाइप से समझ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गांव के सरपंच ने तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद साव पर पैसों का लेन देन का खुला आरोप भी लगा डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षा अब व्यापार बनते जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में दुर्ग ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी गोविंद साव द्वारा शिक्षक लक्ष्मी नारायण पटेल की सर्विस बुक में लिपापोती कर इस शिक्षक की मूल पद स्थापना कहाँ है पता ही नहीं चल पा रहा है। इस मामले में शिक्षक ने खुद ही कहा कि इस दौरान वे कई जगहों पर अपनी ड्यूटी कर चुके हैं, जबकि असलियत में लोगों का आरोप है कि शिक्षक के वेतन का कुछ हिस्सा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास जाता है, जिससे ये शिक्षक अपनी मनमर्जी से कभी स्कूल आता है या कभी नहीं भी आता है और साथ ही अब अपने साथ एक लड़की को भी अपनी जगह पढ़ाने ले आया है। देखना होगा इस मामले में दुर्ग कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी किस तरह संज्ञान लेते हैं। और जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इसी तर्ज पर उस शिक्षक की जगह उस बेटी को ही स्कूल में ज्वाइन कराकर आगे की जिम्मेदारी उसे सौंप दी जाए। इस मामले में गाँव के सरपंच और स्कूल के स्टाफ ने प्रतिक्रिया दी। मामला ये था कि मैं एक रोज मैं यहाँ आया था गुरुजी से मिलने के लिए चंद्राकर सर से, तो उन्होंने बताया प्राइमरी स्कूल में ये समस्या है। पटेल सर हमारे यहाँ वहाँ पदस्थ है लेकिन वो स्कूल आते नहीं। इनकी शिकायत पहले भी की जा चुकी थी। इस संबंध में मैंने माया बेलचंदन हमारे जिला पंचायत सदस्य से चर्चा की तो उन्होंने उसी दिन सौभाग्य से जिला पंचायत की मीटिंग थी तो इनका मैं उपस्थिति रजिस्टर का फोटो कापी करके सन 19 से जो था लेके मैं वहाँ गया मीटिंग में। तो वहाँ बीओ सर थे, उनको मैं पूरा सौंपा और उनको शिकायत भी की कि ऐसा ऐसा बात है इनका, और प्रश्न भी उठाए कि उनका पेमेंट जारी कैसे हो जाता जब वो शिक्षक नहीं आता यहाँ तो उनका पेमेंट जारी कैसे होता है। उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया लेकिन इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे करके रजिस्टर के बाद तो लगभग एक हफ्ते बाद आना शुरू हो गया इनका। वो तो महीने तक एब्सेंट हुई, हाँ एक एक महीने तक एब्सेंट है। जानकारी हुई इनकी सैलरी तो बनी रही है और निकल रही है, हर महीने ले भी रहे हैं। मैंने तो इनको आज तक पढ़ाते हुए नहीं दिखा। इसके संबंध में मेरे भी थोड़ा सा आया शिकायत कि ये एक लड़की लेके आती है वो पढ़ाती है करके। मैंने उन्होंने पटेल सर से बात की तो उन्होंने उनका कहना है वो शिक्षा दान कर रही है, मेरे को छोड़ने और ले जाने के लिए आती है तो खाली समय में क्या करेंगे, शिक्षा दान कर रही है। शराब पीते हैं ऐसा सुना था, वीडियो भी वायरल हुआ था इनका, लेकिन मेरे सामने में आज तक शराब पी के इन्होंने शिक्षा पढ़ाया नहीं है बच्चों को। हाँ प्राइमरी स्कूल में समस्या है। वैसे एक सर हैं पटेल सर, तो 2019 से पोस्टिंग है उनकी, मगर लगातार अनुपस्थित चलते रहते हैं। अभी वर्तमान में एक महीने हुआ है कंटिन्यू उपस्थिति दिया। मेरे को ऐसी जानकारी मिली नहीं है, मगर मैंने उनको देखा तो कोशिश किया उनको जानने का, तो ऐसा पता चला कि उनके साथ कोई लड़की आती है और पढ़ाती भी है। हाँ कंप्लेंट हुआ है, बीओ में हुआ है, डीओ में हुआ है, कोई रिस्पांस नहीं मिला वहाँ से। हाँ एक लड़की आती है, एक सर हैं वो शायद बहुत कमज़ोर हो गए हैं तो उनकी तबीयत क्या ठीक नहीं रहती ऐसा कुछ मुझे बताया। तो कोई लड़की आती है उनके बदले में पढ़ाने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि सर ये लड़की कौन है, तो बोले मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं अपने बदले में उस लड़की को लाया हूँ पढ़ाने के लिए, ऐसा बोले मुझे। और मैं तो अभी 4-5 दिन ही मुझे आया हुआ है, तो बाकी तो स्कूल तो ठीक है बट टीचरों की कमी है यहाँ पे, है ना। मुझे लगता है कि हम टीचर हैं तो हमको सारे बच्चों के लिए ही हम हैं, तो हम उनके लिए ही काम करें और उनकी पढ़ाई हुई, कोई कक्षा खाली मत जाए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम है, मुझे बस मैं आई हूँ तो मैं देखी हूँ कि ये बच्ची पढ़ा रही है। अब मैं अभी प्रभार भी मैंने पूरा नहीं लिया है, अभी बाकी है कुछ वित्तीय प्रभार, तो अभी मैं कुछ भी मुझे नहीं पता। क्या नाम है उस टीचर का और जो शिक्षिका उनके अगेंस्ट पढ़ाती है, क्या वो बालिक है? वो सर का नाम, सर तो पटेल सर हैं और जो क्या खेमेश्वरी है उसका नाम, वो खुद ही खुद साथ में लिख। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।